है गुरुदेव या सूरज बोल कर रीति है गुरुदेव, दिया हुआ दान वापस नहीं ली जाती है गुरुदेव। मैं बार 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 समझा रहा हूं, कहता बाबा औरत जाति का मटका मुगुता कितना होता है 25 ग्राम ना 50 ग्राम और मटगर धसगर रहती है तो 75 ना घीच तीर का 78 ग्राम। अरे तुमने सुना? ओ मैं ठीक कह रहा हूं। क्या कहा? सीख लिया है। हम कालिया जलानी जात के माथा में गुटे कितना को रहे छे 25 ग्राम में 50 ग्राम घीच तीर के 75 ग्राम के मोटगर धसगर रहे छे और वो से 76 77 से ज्यादा नहीं रहे छे बाबा इतना सी पार कर गेले। ओ बाबा सुनो बेटी से प्यार इधर आओ, बेटी से प्यार, हम मरते हैं तुम्हारे लिए और तुम मरती हो दही के लिए, तुम्हारा तुम्हें समस्त परिवार को काशी में ऐसा गति होगा तुम अपनी आंखों से देखोगी और पूरा इस संसार के लोग देखेंगे। हमको दया आ गया था कि सोचते थे कुछ राजपाट लौटा दूं और कुछ गजर गुजर सफर कर ले, लेकिन तुम हम वचन देते हैं हम काशी तक तुझे पहुंचा देंगे। हाँ बाबा चार सत्र राजपाट खाली करने में तुम्हें ममता लग रहा है कि लोग घेर रखा है, क्या तुम खाली नहीं करना चाहते हो? हे गुरुदेव मैं राजपाट खाली करने के लिए तैयार हूं गुरुदेव, तो फिर देर किस बात की है? हे गुरुदेव मुझे तो काशी का बात देखा हुआ नहीं है गुरुदेव, काशी का बात तुझे देखा नहीं है? नहीं नहीं मैं तुम्हें फालतू नजर आ रहा हूं कि मैं तुझे काशी को छोड़ने जाऊंगा? मेरे पास ऐसा कोई समय नहीं है जो तुम्हें काशी छोड़ने जाऊंगा। हे गुरुदेव ही आप मत जाइए गुरुदेव ही आप ही रामताल बाबा को साथ लगा दीजिए गुरुदेव। कभी नहीं, रामताल दास मेरा मुख चलवा है, कोई सेवक सती आता है तालपुर में वही जाता है और ठाकुरबाड़ी में पूजा पाठ का हाथ वही बताता है, बिल्कुल नहीं जाएगा उतना मेरे पास समय नहीं है। हे गुरुदेव ही रामताल बाबा ने मुझे वचन दिया है गुरुदेव, चलो राजा मैं तुझे काशी तक छोड़ दूंगा। क्या रामताल बाबा तुझे वचन दिया है? हाँ गुरुदेव। हे गुरुदेव ही आप रामताल बाबा से पूछ लीजिए गुरुदेव। क्या कह रहे हो तुम? हाँ गुरुदेव। ठीक है मैं पूछता हूँ, पूछा हो रामताल दास? अरे रामताल दास
हेलो तुमने राजन को काशी जाने का बचन दिया है। बचन? हाँ बाबा बचन दिए थे बाबा, लेकिन लेकिन क्या लेकिन? लेकिन छोटा वचन दिए बचन कितने होते हैं रे? बचन बचन तो हमारे पास बहुत है बाबा। नौ बोरा हम बचन को कल सहरसा भूती होती, 25 बोरा हम सलखुआ बाजार पहुंचा दिए थे। बचन तो हमारे पास बोरा घोरा आता है, बोरा घोरा जाता है, बचन को कौन पूछता? हेलो ए हो ए माइक वाला, इसको कंजूसी क्यों कर रहे बाबा? तोरे टावर कम रह जा, चौथा पर नंबर भाग लाए हमार तक बाबा। हेलो 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 विजय बाजी जैन हो? हेलो 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 ए भैया, अगर तोर बाजा बढ़िया बोलते ना तो हमरो आर के तनी को निक लागते है। हेलो दावे भेजबे में तोरे नाम लेबो यहां से कहां तक जाने छो? 17 जिला घूम लिए है, एगो जिला नहीं घूम लिए है। हेलो सगरे अलांस होता तो है। ए रामदास। हां बाबा सुनो क्या कह रहा था तुम? बाबा छटका बचन दिया। छटका बचन? हां इतना बचन होता कितना है? बचन कह लिया नौ बोला, नौ बोला कल सहरसा भेज लिए, 18 बोला सलखुआ भेज लिए। बचन बचन हमरा पास बहुत तेज, बचन के नाम सुनबो से हो कहता बा। हेलो हेलो तो दोस्तों हेलो आपके महान दानी का नाम है प्रकाश ठाकुर। हेलो प्रकाश ठाकुर जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है, जो कि ये भगवान के गुणगान में उन दानी ने 101 रुपए से अपना पुण्य का भागी बने हैं। उन महान दानी को घर में बाबा भोला हमेशा लक्ष्मी का वास देंगे और हमेशा वो ऐसे भगवान के गुणगान में हाथ खुले रखेंगे। जय हिंद जय भारत। बाबा बैंक के क्यों उखाड़ के फेंक दल के? बैंक जे लगे लिए ग्रामीण बैंक काली आए पट मकई पटवे में गेहूं पटवे में ए दे 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 गुटे के उखाड़ फेंक दे। सुन सुन सुनो ठीक है, तुम अपना बैंक लगाते रहना। हाँ बाबा राजन को तुमने वचन दिए हो तो तुझे काशी जाना ही होगा। एक बात सुन लो, जो काशी जाता है वो लौट के नहीं आता है। जो काशी जाता है लौट के नहीं आता है। दैत भूत आनव कानव राक्षस पनुछा खदगरुआ तुम्हें इतना डुबो डुबो के रास्ते में मारेगा पानी में और थाल में मुड़ी घुसेर करके मार देगा। हमरा डुबा डुबा मारता तो और जाएगा तू मारेगा हमको। हमरा नहीं ना, हमरा डुबा डुबा मारता, हमरा हमरा डुबा रे भूत परे शैतान हमरा ना टिकती अखंड करो अपन उपचार है छमसिया समस्या जाने छो बाबा। बेटा जाके देख ले असत समस्या जाने छो, आज पता चल जाएगा तुझे। पता चलेगा बाबा
दारिया ना के डोला है तबे कहाँ जेते भूत परे अंडा कंडा अजे बस्तर खधार छिप छिप के मंत्र लगाए मंत्र लगा देगा मंत्र तो मंत्र भी आता है मंत्र भी आता है तो बताओ तो कैसा मंत्र है तुम्हारा मंत्र अरे कच्चा चावल खागे सीखे हो पक्का कोनो हम कच्चा चावल खागे थोड़े सीखे हैं पक्का चावल खागे सीखे हैं आज मंत्र बिल्कुल पक्का होगा यही पक्का होगा हाथ बताओ तो कैसा है ठीक है लगाते यार उनको बोला कि मेरा सांसों भरा करने सिंगे ना होगा जब फुक गया चल 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 मसाल पहन चो भूत का पकड़ वो ना ने पकड़े तो सहरसा में पीरी फान वाला जाल पीके चे चाव टपर घेर घाट का पकड़ दा दा कामो छू की दा छू उसे मात्र तो बिल्कुल सही है देखो राम दास अगर राजन को बचत दे दी हो तो तुझे जाना ही होगा जाना पड़ेगा हाँ ठीक है और एक बात सुनो रामो राम और सरकार भी काम करेंगे हमेशा हरिश्चंद्र को झूठ बोलाने में लगे रहना है क्योंकि मैंने इंद्र दरबार में प्रण किया हो जब तक हरिश्चंद्र को ऋषि राज न कहला दो मैं उसको पीछे नहीं छोड़ने वाला हूँ नहीं 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 तो हमेशा झूठ बोलाने में लगे रहना है मैं चलता हूँ ठीक है बाबा जाओ छोड़ करके आ जाना बाबा कोई डोल बनाए तो घुरइयो ना सब तो डोल रखने दियो 50 गो दे जाके सर साहब बेच दे अरे तुम्हारे पास तीन तीन कमंडल दिया तो डोल क्या करेगा डोल ही डोल ले बाबा दही चुरा खाए ल हद को भाग लो होन खेते छ पेन ठीक रहती राजन हां गुरुदेव अब यहाँ से अयोध्यापुरी को छोड़कर अब सदा के लिए आप काशी नगरी जा रहे हैं हमारे विचार से अपने अयोध्या नगरी वासी से और अपने हित प्रेम प्रजा से आप मुलाकात एक बारी मिल जुल लीजिए और रानी सेपिया अपने सखी सहेली से और रोहित दास अपने दोस्त महीम से इसके बाद आप अयोध्या नगरी कब लौट कर आइएगा नहीं आइएगा इसका कोई गारंटी कोई भरोसा नहीं है महाराज हाँ गुरुदेव बस मुझे थोड़ा सा ही समय दीजिए गुरुदेव ठीक है राजन तब तक मैं चाय पिकाता हूँ ठीक है गुरुदेव ठीक है आ रे मिली ले हो दुली ले हो अयोध्या के दाई माई अयोध्या
है।